तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। वीडियो मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम है, सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम है, अगर आपने अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम अपना नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का नाम है और जो लगातार काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि काउंसलिंग कब होगी उस पर लगातार अपडेट आता रहता है और आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा, इसके बारे में चिंता ना करें कि आखिर में आगे का क्या प्रोसेस होता है, मेरिट लिस्ट के आगे का क्या पूरा प्रोसेस होता है, उस पर वीडियो आ चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे TC कहते हैं, TC और करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट्स आप आसानी से कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं, इससे पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं एडमिशन टाइम, वो आपके असली डॉक्यूमेंट लगते हैं और केवल आधार कार्ड को हटाकर, यानी आपका 10th का सर्टिफिकेट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और आपका जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं कहते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर EWS है तो EWS, और ये सारे मूल्यवास आय प्रमाण पत्र, ये सारे आपके असली डॉक्यूमेंट शिक्षण संस्थान द्वारा असली में जमा कर लिए जाते हैं, यानी आपका मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये जमा कर लिए जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, हम पहले ही आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर कोई किसी अन्य में फॉर्म डालना चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, तो आप उसका फोटोकॉपी या फिर रंगीन इत्यादि निकला के रख लीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार शिक्षण संस्थान में अप्लीकेशन ना देना पड़े। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में क्या TC लगता है, क्योंकि TC का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इस संस्थान से हमने उस संस्थान में ट्रांसफ़र कराया है। तो आपका जानकारी के लिए बता दें कि ये एक डिप्लोमा है, जितने भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत निकलते हैं, तो ये एक डिप्लोमा है। जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन करें या एक्सरे टेक्नीशियन करें, डीफार्मा करें या KGMU द्वारा OT MRI जो भी है, आप जो करना चाहते हैं वो एक डिप्लोमा होता है, उसमें आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि TC लगता है। अब उसके बाद में आ जाते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट में, कि करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं, तो शिक्षण संस्थान को क्या मतलब है आपके करेक्टर से। शिक्षण संस्थान जब आपका एडमिशन लेता है तो 10 रुपये के स्टाम्प पर पहले ही लिखवा लेता है कि आप जो भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान द्वारा नियम कानून बनाए जाएंगे वो आपको मान होंगे। इस पर वीडियो आ चुका है, अगर आपने इम्पोर्टेंट वीडियो वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है कि आसानी से आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र लिखवा लेना होता है, तभी आपका एडमिशन कराया जाता है। तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये सारा कुछ निकाल दीजिए कि TC लगता है, चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। हाँ, आप अगर शिक्षण संस्थान से पास हो गए तो आप ये बनवाकर अपने पास जरूर रख सकते हैं आगे किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी ये डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं लगते हैं। TC नहीं लगता है क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्सेज है, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है क्योंकि वो आसानी से 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए घोषणा पत्र ले लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं कि आखिर में कौन कौन से एक्सरे में कितने कॉलेज हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। लैब टेक्नीशियन, उसके बाद डी फार्मा, कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।